नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो आल्मिक समय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो दिखा रहा हूँ, ये पान का पत्ता है। इस पान के पत्ते को अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, जैसे बंगला पान भी बोल देते हैं और बीड़ा पान भी बोल देते हैं। अपने क्षेत्र में आप लोग क्या नाम से जानते हो हमें और बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज मैं आप लोग को इस पान के इतने जबरदस्त फायदे बताने वाला हूं कि आप सिर्फ एक पत्ती ही खा करके इस पान का अपने शरीर को हमेशा सेहतमंद और फिट रख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो की जानकारी अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि हम हर एक वनस्पतियों की जानकारी इस चैनल पे हमेशा आप लोग को देते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस पान के जबरदस्त फायदे। दोस्तों, इस तरह का जो आप देख पा रहे हो ये बंगला पान है, हमारे क्षेत्र में बंगला पान बोला जाता है, जिसको कत्था चूना डाल के पान ठेला में पान बनाया जाता है, जिसे आप लोग चाव से खाते होंगे या फिर कई लोग नहीं खाते भी होंगे। तो जो पान ठेला में बनता है, पान नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि उसमें अच्छी चीजों के साथ साथ नशीली चीजें भी मिलाई जाती है। तो पान आप लोगों को खाना सेहत के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन किस तरह से पान खाने पर सेहतमंद होता है और किस तरह से खाने पर नुकसानदायक होता है, और सिर्फ पान की पत्ती खाने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और कैसे और कितना टाइम खाना है, ये भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये जो पान का पत्ता है, यह पित्त और कफ को खत्म कर देता है। पित्त से संबंधित रोग और कफ से संबंधित रोग को दूर कर देता है। तो अगर आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो आप पान के पत्ते सुबह खाली पेट खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके सर में हमेशा दर्द बना रहता है तो सिर्फ एक पान का पत्ता सुबह शाम खाते रहिए, आपकी सर दर्द की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार का कृमि रोग हो गया है तो भी आप पान के सिर्फ एक दो पत्ते सुबह खाली पेट खा कर उस कृमि रोग को नष्ट कर सकते हो। यह पान का पत्ता बहुत ही शक्तिशाली पत्ता है। आज मैं आप लोगों को इस पान के पत्ते से एक और जबरदस्त जानकारी बताने वाला हूँ, जिसका सेवन करके आपका गृहस्थ जीवन दौड़ने लगेगा। गृहस्थ जीवन का मतलब शादीशुदा जिंदगी, तो वो भी बात आप लोग को बताऊंगा, बने रहे वीडियो में कंटिन्यू। उससे पहले मैं आप लोग को और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पान है और कफ को तो नष्ट करता ही करता है। अगर इस पान के साथ अगर आप पान खाने के शौकीन हैं या फिर शौकीन नहीं भी हैं, फिर भी आप शरीर को हष्ट पुष्ट सेहतमंद सुरक्षित रखना चाहते हैं, पान के पत्ते में कत्था मत लगाइए, सुपारी मत लगाइए, उसमें सिर्फ चूना लगाइए, और चूना लगाने के बाद थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, और थोड़ा सा गुलकंद डाल दीजिए, और एक छोटी इलायची और एक दो लौंग डाल दीजिए। बस इतना डाल के पान को मोड़ के मुंह में रख के चबाते रहिए। अगर आप खाना खाने के बाद इस तरह से पान बना के स्वदेशी अपने घर में खुद अपने हाथों से प्रतिदिन अगर खाने की आदत डाल लें, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में कभी किसी भी प्रकार की कोई मोटापा नहीं आएगी, आपकी जो चर्बी है वह नहीं बढ़ेगी, और हमेशा आपका डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, जो भी खाया पिया जल्दी से पचने लगेगा, और आपके शरीर में पेट के अंदर सड़न पैदा होती है जिसकी वजह से मुख से दुर्गंध निकलती है, वह भी दुर्गंध नहीं निकलेगा, क्योंकि पेट में यह पान किसी भी प्रकार के जो खाए पिए रहते हो उसे सड़ने ही नहीं देता है, खराब होने नहीं देता है, पेट को साफ रखता है हमेशा पान खाने से। और इस तरह से चूना लगा करके जो अभी मैं बताया जितनी सामग्री मिला करके पान खाने की अगर आदत बनाओगे तो आपको बात पीत कप तीनों प्रकार के जो दोष होते हैं वह कभी नहीं बढ़ेंगे आपके शरीर में, और आपका शरीर जो है हमेशा सभी प्रकार की बीमारियों से बचा रहेगा, क्योंकि बात पित्त कफ की अनबैलेंस की वजह से ही हमारे शरीर प्रकोपित होती है और शरीर में इन्फेक्शन लगता है या फिर किसी प्रकार की जो शरीर की बीमारियां होती है वह लग जाती है। इसलिए अगर आप एक पान जो मैं बताया उसी तरह से अगर खाने की आदत डालोगे तो आपका बात पित्त कफ जो है हमेशा बैलेंस में रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस पान के साथ एक और पत्ता मिला करके सेवन करने का एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूं, जो कि 100% कार्य करता है, और इसका रिजल्ट आपको आधे घंटे बाद पता चल जाता है। जो कोई भी गृहस्थ जीवन में है, शादीशुदा जिंदगी जी रहा है, उसके लिए पान का पत्ता और उसके साथ भांग का पत्ता, एक पान का पत्ता और एक भांग का पत्ता, दोनों के पत्ते को कूट पीस करके चटनी बना लें, और इस चटनी गुड़ के साथ अच्छे से फेंट लें, मिला लें, मिलाने के बाद गोली बना लें। गोली बनाने के बाद इस गोली को रात को बिस्तर में जाने से पहले खा लें, आधा घंटा पहले। जब भी आप इस तरह का गोली बना करके खा के बिस्तर में हम सफर के साथ समय बिताओगे,
तो निश्चित रूप से आपको घंटों घंटों तक बहुत मजा मिलने वाला है। यह अचूक प्रमाणित सत्य बात है। भांग के पत्तों में स्तंभन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वहीं पान के पत्ता वीर्य को पुष्ट करता है और गुड़ हमेशा पुष्टि का कार्य करता है। तीनों का जब मिश्रण करके आप गोली बना के खाते हो तो यह स्तंभन शक्ति इतना ज्यादा तीव्र कर देता है कि अंदर से पानी निकलने ही नहीं देता है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग बता दिया। इस प्रयोग को करके आप तुरंत आधे घंटे में ही इसका रिजल्ट देख सकते हो और अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते हो। तो आज की ये पान की पत्ते की जानकारी मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।